हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई मीन्स आपकी आंख, हमारी आंख, इस पूरे पृथ्वी जगत के जितने भी जीव जंतु हैं सबकी आंखों की बात करने वाले हैं। हमारा जो आई होता है ना, जिस कारण से हम इस पूरे कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते। चैप्टर का नाम ही क्या है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मीन्स हाउ इट इज पॉसिबल, इफ यू डू नॉट हैव अ आई देन हाउ यू कैन सी द कलरफुल वर्ल्ड। मीन्स इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व, इफ यू वॉन्ट टू सी, इफ यू वॉन्ट टू वॉच समथिंग, यू मस्ट हैव अ आई। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड हाउ इट इज वर्क्स। हम लोग दो बात पे पहले बात करें, दो पॉइंट्स पे पहले फोकस करेंगे। पहली बात कि जो हमारी आंख होती है ना, ये आंख हमारी होती कैसी है और आंख की फंक्शनिंग कैसी और होती है और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हमारे एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने। आपको लग रहा होगा सर आप तो यहां से पढ़ा रहे हैं तो हमें आई बनाना कैसे सिखाएं। अभी आपको मैं एक दूसरा फिगर भी दिखाऊंगा जहां पे हमने कोशिश किया है कि जो स्ट्रक्चर हमारे बुक्स में होती है, जो हमें लेबल डायग्राम में बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर है। पहले थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। होता क्या है, जो हमारी आंख होती है, थोड़ा सा उसको देखिए आप, है किस शेप में। ये जो हमारी आंख है, एक तरीके से कह सकते हैं क्या कि ये ओवल शेप में है। ओवल शेप बोले तो जब हम लोग उसको साइड से देखते हैं ना तो ये ओवल शेप में होती है, और जब इसको हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो क्या होती है, ये एकदम कह सकते हैं कि एकदम स्फीयर की तरह होती है। अभी आपको मैं दूसरे फिगर से दिखा रहा हूं, एक मैं आपको दूसरा फिगर दिखा रहा हूं, उसमें आप ये देख पाएंगे कि जहां पे क्या है, जो हमारी आंख अगर उसको हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो पूरी सर्कुलर दिखाई देती है, जबकि अगर हम उसे साइड से देखते हैं, अगर हम उसे साइड से देखें तो साइड से क्या होती है, एक ये ओवल शेप की दिखाई देती है। ये आपके सामने डायग्राम है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जब हम लोग सामने से देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जो हमारा शेप है वो सर्कुलर है, और जैसे इसी को हमने यहां पर साइड से कर दिया है तो क्या हो रहा है, ये जो थोड़ा सा है वो ओवल शेप का दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब आइए देखते हैं इसके पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। जो सबसे हमारा आउटर सेक्शन होता है आई का, जो सबसे आउटर सेक्शन होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। जो सबसे हमारा एक्सटर्नल सबसे आउटर सेक्शन होता है, हम पिछले डायग्राम की तरफ फिर से चलते हैं, जो हमारे इसके पहले डायग्राम खुला था, हम लोग उधर ही फिर से चलते हैं, देखते हैं। सबसे जो हमारा आउटर पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होती है, कॉर्निया होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। जो सबसे हमारा आउटर सेक्शन होता है आई का वो क्या होता है, कॉर्निया होता है। ओके, अब कॉर्निया क्या करता है, ये कॉर्निया जो सबसे आउटर सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा सेक्शन है ये क्या है, ये सेक्शन हमारा है ये कॉर्निया का सेक्शन है। आगे चलते हैं। अब कॉर्निया के बाद जो हमारा ब्लैक सेक्शन होता है आई का, जो हम लोग कहते हैं ना कि भैया इनकी आंख भूरी है, इनकी यहां आंख हरी है, इनकी आंख काली है, तो जो इनकी आंख का जो सेक्शन होता है, ये जो हमारा आयरिस होता है ना, यही दिखाई देता है। ये जो आपको यहां पे आयरिस दिखाई दे रहा है, ये जो आयरिस आपको दिखाई दे रहा है, ये आयरिस क्या करता है, ये आयरिस जो करता है वो क्या करता है, वही हमारे आई के जो चारों तरफ होता है ना, ये जो प्यूपिल होती है उसके जो चारों तरफ, जैसे आपका आंख काली होती है, अगर हम पिछले फिगर में भी आपको दिखाएं तो वहां पे जो हमारा सेक्शन है आयरिस का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। यहां पे देखिए ये सेक्शन क्या है, ये पूरा सेक्शन क्या है, हम लोग ये पूरा हमारा आयरिस है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्या है, ये आयरिस। इतने सेक्शन को छोड़ के, मींस प्यूपिल को छोड़ के ये देखिए, ये प्यूपिल है। ये प्यूपिल वाला सेक्शन अगर हम लोग छोड़ दें, अगर प्यूपिल वाला सेक्शन हम लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा क्या हमारा है, ये आयरिस है। ये पूरा आयरिस देखिए दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिगर में, ये देखिए, ये पूरा जो होता है हमारा आयरिस होता है। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि इनकी आंख भूरी है, इनकी आंख काली है, इनकी आंख हरी है, वो किसका कलर एक्चुअली में होता है, वो आयरिस का ही कलर होता है। आज एक बात जान लीजिए, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि ये भूरे आंख वाला है, ये काले आंख वाला है, तो एक्चुअली में किस चीज को हम फोकस करते हैं, हम क्या करते हैं आंख की, किसको फोकस करते हैं, आयरिस को फोकस करते हैं। ये हमारा आयरिस का एरिया है, पूरा ध्यान से देखिए, ये पूरा हमारा आयरिस है। अब जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे आयरिस क्या है, ग्रीन कलर का है, यहां पे आयरिस क्या है, ग्रीन कलर का। लेकिन अगर आप लोग मेरी आयरिस देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप मेरी आयरिस को देखेंगे तो वो क्या है, ब्लैक कलर की है, मेरी आयरिस ब्लैक कलर की है। कुछ लोगों की आयरिस क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है। ओके, जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये भूरे आंख वाला लड़का है, तो आज एक बात आप ये जान लीजिए, जो हम लोग आई के कलर की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, वो आयरिस की बात करते हैं। ओके, और आगे अगर हम लोग, जो हमारा बीच में देखिए एकदम ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ये देखिए एकदम काला सा दिख रहा है, एकदम एग्जैक्टली उसके आयरिस के एकदम एग्जैक्टली बीच में, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा प्यूपिल होता है, ये हमारा प्यूपिल होता है, और यहीं से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, एंट्री करती है। इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा। प्यूपिल देखिए हमने और भी ब्लैक कर दिया है। ये ऐसा पोर्शन होता है हमारी आंख का, एक ऐसा पार्ट होता है जहां से लाइट क्या होती है, एंट्री करती है। और याद रखिएगा, ये क्या होता है, जैसे हमारे रूम में क्या होता है, जैसे हमारे रूम में दरवाजा है, अगर हम दिन की बात करें तो हम लोग दरवाजा को पूरा खोल देते हैं ताकि लाइट प्रॉपर्ली आए, और जब शाम का समय होता तो क्या करते हैं, दरवाजे को और खिड़की को बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट हमें कम चाहिए, लाइट बाहर से कम आए।
या तो यूं कहें हम आपसे कि जब शाम का समय होता तो हम लोग पूरे सारे रूम के सारे दरवाजे को खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होती है, एटमॉस्फेयर में लाइट कम होती है और हमारे रूम में ज़्यादा लाइट आनी चाहिए क्योंकि अंधेरा है, तो इसलिए हम सारे दरवाजे सारे खिड़की को खोल देते हैं। लेकिन अगर हम लोग दिन की बात करें तो क्या करते हैं, जब ज़्यादा लाइट होती है एटमॉस्फेयर में तो हम लोग उसे क्लोज किए रहते हैं, अपने डोर्स को शट किए रहते हैं, विंडोज़ को शट किए रहते हैं, तो फिर भी हमें प्रॉपरली लाइटिंग मिलती है। तो एकदम सेम कंडीशन ये होता है किसका, आइरिस और पीपल का होता है। जो हमारी आइरिस होती है ये क्या करती है, ये संभालती है हमारे प्यूपिल को। एकदम ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसकी फंक्शनिंग लिखने को आता है कि जो हमारी आइरिस होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जो हमारी ये आइरिस होती है ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है, अगर हमें अगर अंधेरे में देखना है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपने आईने में अपनी कभी कभी अगर प्यूपिल और आइरिस वगैरह आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप अंधेरे में हैं, आपकी आंख को ज्यादा जरूरत है लाइटिंग देखने का, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्यूपिल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और जैसे आप उजाले में पहुंचे, जैसे ही आप उजाले में पहुंच गए, अब वहां पे लाइटिंग ज्यादा मिल रही है, और क्या होगा, आपको ज्यादा लाइटिंग जरूरत तो है नहीं, एक प्रॉपर अमाउंट में लाइटिंग चाहिए होती है हमारी आंख को देखने के लिए, तो तुरंत क्या होती है, हमारे प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है, हमारे प्यूपिल की साइज छोटी हो जाती है। इतने बात समझ में आ गई, हम लोग ये समझ लिए कि जो आइरिस होती है वो प्यूपिल को कंट्रोल करती है, कि प्यूपिल की साइज बड़ी होगी कि छोटी, जैसे क्या होता है दिन में क्या होती है पिपल साइज छोटी होती है और रात में पिपल साइज क्या होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, कितना हमें लाइट की जरूरत है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जो उसके बीच में क्या होता है, एक एक्वस ह्यूमर होता है। ध्यान से देखिएगा, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये जो पूरा पानी की तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर होता है, इसको याद रखिएगा, ये जो होता है हमारा ये एक्वस ह्यूमर होता है। और आगे चलते हैं, जैसे ही लाइट हमारी एंट्री करेगी कहाँ से, प्यूपिल से, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा इसको हो सकता समझ में ना आ रहा हो। हाँ, अब देखते हैं, अब यहाँ से क्या होता है कि ये जो पोर्शन है हमारा, जो हमारा प्यूपिल है, इसकी क्या होती है, लाइट एंट्री करती है, सिर्फ यहीं से लाइट एंट्री करती है। अभी आपको अगर मैं अपने दूसरे फिगर को दिखाऊँ, अगर मैं आपको अपने दूसरे फिगर को दिखाऊँ तो वहाँ पर आपको मैं दिखा पाऊँगा इसी थोड़ा सा बड़े में दिखा पाऊँगा कि जो हमारा ये देखिए ये जो हमारा प्यूपिल का सेक्शन है, ये हमारा प्यूपिल का सेक्शन है, यहीं से हमारी सारी लाइट एंट्री करती है, यहीं से लाइट एंट्री करती है। और जैसे ही लाइट एंट्री करेगी, जैसे ही लाइट एंट्री करने के आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा लेंस लगा हुआ, ये कौन सा लेंस है भाई, जल्दी बताइए कैसा दिख रहा है, ये हमने आपको पढ़ाया है रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, अभी जब बहुत एक दो वीडियो पिछला अगर आप देखेंगे उसमें बताया हमने आपको, ये कौन सा तरह का है भाई, कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स शेप का है ये, तो क्या होता है ये, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, या इसे बोलते हैं आई लेंस बोलते हैं, या तो इसे आप आई लेंस कहिए या तो इसे आप क्रिस्टलाइन लेंस कहिए। ठीक है, ये क्या करता है, लेंस का काम क्या होता पता होगा आपको, लेंस क्या करता है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्रैक्ट करता है, मीन्स व्हाट, एज द लाइट विल एंटर इन द आई फ्रॉम वेयर, इट विल एंटर फ्रॉम द प्यूपिल, ओके, एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस, विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टलाइन लेंस, विद द हेल्प ऑफ दिस आई लेंस, इट विल बी फॉर्म्ड एन इमेज। ये कहाँ क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म करेगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, ये रेटिना पे फॉर्म करता है, इस बात को याद रखिएगा, रेटिना पे फॉर्म करता है इमेज को। कहाँ से इमेज आती है, जैसे मान लीजिए बाहर से लाइटिंग आ रही है, ये मान लीजिए बाहर से लाइटिंग आती है, और क्या ये भाई चूंकि कॉन्वेक्स है तो क्या ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज करके इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, ये इमेज फॉर्म करेगा रेटिना पे फॉर्म करेगा। इतने बात समझ में आई, और आगे चलते हैं, अब आप थोड़ा सा अगर ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा लेंस के दिख रहा है आपको हल्का सा रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला सेक्शन हमारा जो हमारे लेंस को पकड़ा हुआ है, जिससे इसका नट बोल्ट जो बोले इसको, तो ये क्या हमारा, ये है सिलरी मसल्स है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंस से समझिएगा, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि प्यूपिल क्या करता है, या प्यूपिल को कौन संभालता है, आयरिस संभालता है, प्यूपिल की साइज कौन कंट्रोल करता है, आयरिस करता है, आइरिस करता है प्यूपिल साइज कंट्रोल। इसी तरीके से सेम तरीके से जो हमारे लेंस की साइज होती है, ये सिलरी मसल्स एडजस्ट करती है, सिलरी मसल्स एडजस्ट करती है कि कब हमारे लेंस को क्या करना है, थिन होना है, और कब हमारे लेंस को थिक करना है। जैसे ही हमें ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, अंधेरे में जाते हैं, हमारा लेंस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और जैसे ही हम लोगों को दिन में आते हैं, कम लाइट से काम चल सकता है, वैसे ही क्या होता है, ये थिन हो जाता है। इसका एडजस्टमेंट कौन करता है, ये सिलरी मसल्स करती है, इसको याद ध्यान रखिएगा, ये हमारे सिलरी मसल्स हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। और आगे चलते हैं, मैंने आपसे ये बताया कि जो हमारा इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, रेटिना पे फॉर्म होती है। ओके, अच्छा एक बात थोड़ा सा ये देखिए आप कि जो हमारा लेंस और रेटिना के बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर होता है जेली लाइक, यहाँ पे भी एक फ्लूइड होता है, ये लिक्विड है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये। ये एक्चुअली में होता क्या है थोड़ा सा आपको सोचना है, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और याद रखिएगा यही रीजन है कि जो हमारी आई का जो शेप होता है वो मेंटेन होता है। अगर हमारी आंख में विट्रस ह्यूमर ना हो तो हमारी जो आई का शेप है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, हमारी आई के शेप को मेंटेन करता है बराबर अमाउंट में, कि कैसे हमारी आई का शेप क्या होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहीं पर जो ये वाली हमारी एरिया देख रहे हैं आपको, ये वाली यहीं पे क्या होता है, रॉड्स और कोन्स होते हैं। क्या होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं। अब रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं, रॉड्स और कोन्स क्या होते हैं, जो हमारी रेटिना है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये रेटिना है। ये क्या है, ये रेटिना आपको दिखाई दे रही है, ये रेटिना है। ओके, जो आपको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, ये रेटिना है पूरा। अब ये रेटिना पे क्या होता है, ये रॉड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड और कोन्स का काम क्या होता है, ये दो ऐसे सेल हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से जो रॉड और कोन्स दो ऐसे सेल हैं, जो रॉड होता है वो रॉड के शेप का होता है और जो कोन सेल है वो कोन के शेप होता है। और ये दोनों जो रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, विजिबिलिटी बनाते हैं और फिगर को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। मैंने फिर से क्या बोला आपसे कि जो हमारे रॉड और कोन्स होते हैं, फिगर्स जो हमारे जो इमेज जो फॉर्म हो रही है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं। और इमेज को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, ये रॉड और कोन्स सेल करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही इमेज फॉर्म हुई, अब हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई और हमारी रेटिना पे इमेज फॉर्म हुई, किसकी हेल्प से फॉर्म हुई, रॉड और कॉन्स के फॉर्म में हुई। और जैसे फॉर्म हुई वहीं पे हमारी अल्ट्री और वेंस जो यहाँ पे रेटिना, आपको मैं दूसरे फिगर में दिखाता हूँ, अगर मैं दूसरे फिगर की तरफ अगर शिफ्ट होता हूँ तो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारी अल्ट्री और वेंस होती है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा, बस आपको देखना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फुल में फुल मार्क्स पाने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए मैं दो दो फिगर का कलेक्शन लेके चल रहा हूँ। एक तो फिगर जो आपको समझाने के लिए है, ये फिगर आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसको आपको ड्रा नहीं करना है। और इसके अलावा जो एक फिगर मैं और दिखा रहा हूँ आपको, वही फिगर आपको अपने एग्जाम में बनाने, वहीं से मार्क्स बनने, उतने ही पॉइंट को बताना है। हाँ, अब ये देखिए आपको देख रहा होगा इसमें कुछ हमारे रेड रेड पार्ट, रेड कलर के थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और कुछ ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, ये अल्ट्री और वेंस होती हैं, ये अल्ट्री और वेंस होती हैं। और ये अल्ट्री और वेंस क्या करती हैं, सिग्नलिंग के थ्रू ऑप्टिक नर्व से, इसी को यही बोलते हैं, ये क्या करती है, सिग्नलिंग के थ्रू ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करती है, हमारे ब्रेन को इमेज ट्रांसफर करती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं। ये बात समझ में आई, मतलब पूरा प्रोसेस हो क्या रहा है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरा प्रोसेस को एक बार फिर से अगर आप समझ लीजिए तो पूरी बात आपको फिर से समझ में आ जाएगी। क्या हो रहा है कि जो इमेज, जो लाइट आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, लाइट जो आ रही है हमारे आई पे पड़ रही है वो कहां से आ रही है, प्यूपिल के रास्ते से एंट्री करती है लाइट की, जिसको कंट्रोल कौन करता है, आयरिस कंट्रोल करता है। और इस प्यूपिल के रास्ते से एंट्री करके यहाँ पर हमारा ये लेंस है, लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फिर ये लेंस क्या करता है, एक इमेज फॉर्म करता है, इमेज कहाँ पर फॉर्म करता है, इमेज फॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए ये दो पैरेलल रेज आ रही है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर रखी हुई है। मैंने बताया था आपसे कि जो हमारी रेंज होती है वो कहाँ होती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, एक ह्यूमन आई जो होता है वो 25 सेंटीमीटर, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। बात समझ में, ये होता है हमारा आयरन। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो दो पैरेलल रेस को मैंने लिया, जैसा कि हमने देखा था कहाँ पे, जब हम लोग लेंस से फिगर बनाना सीखे थे, जब हम लोगों ने ये सीखा था कि हमें लेंस से कैसे इमेज फॉर्म करने हैं, तो हमने ये देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, दो पैरेलल रेज आ रही हैं और ये पैरेलल रेज कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे रेटिना पे। ओके, अब इमेज फॉर्म करने के बाद इसकी सिग्नलिंग से और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहाँ जाता है, ये ब्रेन के पास आ जाता है। फिर हमें लगता है हमने इसको देखा। अब चूंकि प्रोसेस इतना तेज ये होता है, इतना तेज ये प्रोसेस होता है कि हमें क्या लगता है, जैसे हमने लाइट हमारे आंखों में एंट्री करी, तुरंत हमारे ब्रेन को समझ में आया था, चूंकि कह सकते हैं कि नैनो सेकंड से भी कम टाइम लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में, इसलिए चीज़ें हमें तुरंत समझ में आ जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, पिछला वाला डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको यही डायग्राम अपने एग्जाम में बनाने हैं, आपको यही वाला डायग्राम अपने एग्जाम में बनाना है।
और यहीं से आपको मार्क्स मिलने हैं। और फिर से याद रखिएगा कि डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना, ना कि कलम का यूज करना डायग्राम बनाने के लिए। और जितने पॉइंट्स आपको यहां पर देखे, हमने कोशिश किया कि आपके उन्हीं सारे पॉइंट्स को बताऊं जो पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन हैं, और जिन पॉइंट्स से आपको मार्क्स मैक्सिमम गेन हो सकते हैं। तो आप आराम से एक पेंसिल से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, याद करने का तरीका एकदम आसान है, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर आपको मान लीजिए याद नहीं हो रहा तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, और मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई। क्यों? अगर आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या कि हमारे आँख में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से करेक्शंस होते हैं, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, तो ये सब चीज़ें क्या होती, तभी समझ में आएंगे जब आप ये पूरा फिगर स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे। अगर आपको इसमें अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ दिक्कत अगर कहीं पे भी हो रही है, आप तुरंत मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, तुरंत कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा उसको समझाने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी आगे हम लोग देखते हैं मायोपिया, बायोपिया, प्रेसबायो की तरफ मूव करते हैं।